नमस्कार, यूथ इज के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लेसन का जो है द थीफ स्टोरी जो लेसन है उसका हम जो है बी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा और उसके माध्यम से हम छोटे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ द थीफ बॉय। जो थीफ बॉय है, जो चोर लड़का है, उसका चरित्र चित्रण करना है कि उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करना होगा। देखिए आंसर। द थीफ बॉय वाज ए 15-year-old बॉय। जो लड़का है, चोर जो लड़का है वो केवल 15 साल का है। बट इन दिस स्टोरी ही वाज हैज बीन बट इन दिस स्टोरी इस स्टोरी में ही हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल थीफ। लेकिन इस स्टोरी के अंदर उसको एक जो है ना बहुत ही अनुभवी और जो है कार्य कुशल चोर के रूप में प्रेजेंट किया है। केवल 15 साल का होने के बावजूद उसको एक बहुत ही कार्य कुशल और एक अनुभवी चोर के रूप में प्रेजेंट किया है। He had a great knowledge of human behavior. उसको मानव व्यवहार के बारे में बहुत अधिक नॉलेज है, बहुत अधिक जानता है कि किस तरह का व्यवहार किस व्यक्ति के साथ करना है। He knew that simple looking person he could be robbed easily. वह जानता है कि simple looking person जो सिंपल दिखते हैं, जो देखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति लगते हैं, कुड बी रोब्ड इजीली, उसको आसानी से रोब किया जा सकता है, आसानी से धोखा दिया जा सकता है, आसानी से उसको ठगा जा सकता है। He had an understanding that a little flattery could help in making friends. भावना है,
अच्छाई और एक विश्वास की भावना बनी हुई है। He thought that he should not battery. वह यहाँ पे बैटरी। He thought that he should not battery. अब वो किसके बारे में सोचता है? यहाँ पे अनिल के बारे में सोचता है कि उसे अनिल को नहीं ठगना चाहिए था, अनिल को उसे नहीं जो है धोखा देना चाहिए था। He had an ambition of becoming a big man and he knew that he could realize his ambition only when he educated. अब यहाँ पे he had an ambition of becoming a big man. वो सोचता है, उसको पता है कि उसको एक अपनी इच्छा को जो है पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी, एक बड़ा आदमी बनने की इच्छा थी, लेकिन वो रियलाइज करता है, महसूस करता है, he knew that he could realize, वो महसूस करता है कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए वो अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकता है। His ambition only when he is educated, कि उसकी इच्छा कब पूरी होगी, उसका लक्ष्य कब पूरा होगा, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो पढ़ा लिखा होगा। तो उसने ये बात महसूस की। Thus he was an interesting character. इस प्रकार यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर पात्र है। तो इस तरह से हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हरि सिंह के चरित्र के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का वो जो है लोगों के साथ व्यवहार करता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन की सहायता से हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यदि आपके इसमें कोई जो आपके सवाल हो तो प्लीज आप जरूर पूछें। यूथरिच के ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।